लाखों हजारों कीमती जानों का ज़िया किया। शादी ब्याह, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शादी ब्याह पे हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है फायरिंग करने का। ये हमारे यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट हैं वो भी करते हैं, बड़े पढ़े लिखे नौजवान भी करते हैं, और गांव के लोग तो अक्सर करते ही करते हैं। जी तो ये क्या वजह होती है? इसमें भी कोई ज़हनी बीमारी, नफसियाती खलल इसमें भी आता है कि दूसरों को अपने ग्रेटर पार्ट दिखाना, अपना लाइफस्टाइल दिखाना, या उन पर अपनी दाग बिठाना जिसे हम कहते हैं, जी या ये कोई नफसियाती बीमारी है या कोई खलल है ये ये? एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसको हम बीमारी नहीं कह सकते, ग्रैंडियोसिटी कहते हैं इसको। ग्रेडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी इज़ अ फीलिंग। अच्छा एक इंसान को फीलिंग नहीं आती जब किसी बहुत आलीशान गाड़ी में जा रहा होता है, या जिस तरह एक अच्छे कपड़े पहन रहा होता है, किसी शख्सियत से जब उसका फोटो आता है उसके सामने, तो वो बता, ये ग्रैंडियोस फीलिंग है। और वही ब्रिटेन की तरफ हमारा जहन जाता है कि अब इंग्लैंड जो है वो तो उसने तो सारा अपने आप को डीवेपनाइज किया हुआ है, ठीक ठीक है, है, बट हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि असली की जोर पे और इस तरीके से अगर वो फायरिंग करेंगे तो उनके हमसाए और इर्द गिर्द के माशरे के लोग जो हैं उनसे वो इम्प्रेस हो इंटरेस्ट जाएंगे। हो जाएंगे, मुतासर अब होंगे। मुतासर तो इंसान अगले के तकवे पे होता है। जब हमारे कुरान ने एक चीज़ क्लियर कर ली कि एक ठीक, इंसान जितना परहेजगार होता है उस लिहाज से उतना मुतासर कर सकता है, ये क्लियर है, ये क्लियर कट, इसके अलावा इंसान इम्प्रेस नहीं हो सकता। तो ये एक फीलिंग है और ये इसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए और इसकी तरफ गामजन है, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री लगी हुई है। आई एम होपफुल इंशाल्लाह कि पाकिस्तान इसके ऊपर अच्छा टॉलरेंस दिखाएगा। ये